सर, जिस ममता बनर्जी पर किसी का कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, आज एकाएक शाम को एक वीडियो जारी करती है ममता बनर्जी और धमकाती है कि वो हड़ताल, वो इस्तीफा दे देगी। ममता का ये वीडियो चौंकाता है और दिखाता है कि कितनी धूर्त और कितनी चालाक है। जरा सुनिए। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার। ওরা চাই কি? আমি মানুষের ये कह रहे मुझे अपने पद की चिंता नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं, इस्तीफा दे दूंगी। दरअसल अभी 2 दिन पहले इसने कहा था कि दुर्गा पूजा आ रहा है, आप जो है डॉक्टर्स, आप सब जो है दुर्गा पूजा आ रहा है, आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, वापस आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी पा लिया कि डॉक्टर हड़ताल से नहीं लौटे उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, उनकी नौकरी खत्म होगी। नौकरी नहीं खत्म होगी, देश में दुनिया में कहीं भी उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे वापस नहीं आए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के निमंत्रण को भी मिलने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। इस चोट से घायल ममता ने इस्तीफे की पेशकश की है। मनीष जी, ममता की जो पेशकश है वो तो ये बता रही है कि बंगाल के हालात क्या हैं और किस तरह से चीजें उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी हैं, और उन डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद, जबकि हम सब लोग जान रहे हैं कि उन डॉक्टरों की हड़ताल से आम आदमी का बहुत नुकसान हो रहा होगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा है, करें तो वो क्या करें। लेकिन मनीष जी, ममता बनर्जी का जो इस्तीफा जो है, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि 2011 से ये महिला वहां की मुख्यमंत्री है, समझिए 13 साल हो गए, अभी 2 साल बाद इसको 15 साल हो जाएंगे, और ये अहंकार में ही रही और किस तरह से इसने अपना मनमाना किया, अनर्गल किया, सबने देखा। पहली बार इसके, मैं इसको घुटने टेकने की तरह देख रहा हूं मनीष जी, कि ये अब इस पर आ गई है कि मैं इस्तीफा भी दे सकती हूं। ये आखिरी, एक तरह से ममता बनर्जी ने अपने तर्कश में जो आखिरी तीर बचा था उसको चलाया है, और उसके लिए उसने ये जो इसने तीर चलाया है ये उन डॉक्टरों पे नहीं चलाया है, ये किसी और पे नहीं चलाया है, ये उसने चलाया है जो 30-35% वो जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता है वो, और जो टीएमसी के गुंडे हैं वो, कि अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है और मेरे लिए अब बैठना मुश्किल हो रहा है और अब मैं इस्तीफा दे सकती हूं, ताकि तुम लोग अब आके बवाल करो, हुड़दंग करो। तो मनीष जी, मैं इसकी जो ये आज इसने नाटक किया है, नौटंकी की है, कल से इसके कुछ मैं दूसरे परिणाम भी देख रहा हूं वहां पे, लेकिन अब की मुझको लगता है उतनी सफलता उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि जनता वहां पे सड़कों पे है और जनता बहुत नाराज है, और ये डॉक्टरों के ऊपर भी जो समझिए एक तरह से जन दबाव भी है कि हमको इस पर निर्णय चाहिए, फैसला चाहिए, और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जरा गौर करिए, अगर ये जरा सा भी ईमानदार होती इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो उन डॉक्टरों की मांग, ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं दिल्ली, वो कह रहे हैं कलकत्ता पुलिस का जो कमिश्नर है उसका इस्तीफा दो, तो वो क्यों नहीं दे रहे, दिलवा रही है उस पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उसका नाम नहीं ले रही, और पूरी तरह से अपने आप को दांव पे लगा के उस पुलिस कमिश्नर को बचा रही है, तो निश्चित वो पुलिस कमिश्नर जो है उसको सारे राज मालूम है उस हत्याकांड के, और उस हत्याकांड पर वो पर्दा डाल रहा है, और उसी के नकल में ये उसको बचाने के लिए ये महिला अपने आप को दांव पे लगा रही है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी। तो ये दर्शक समझे कि ये राजनीति में कई बातें ऐसी होती है जो कही नहीं जाती, ये उसी श्रेणी का मामला है कि अपने इस्तीफे की बात कर रही है, खुद को सामने ला रही है, लेकिन ये कर इसलिए रही है ताकि उस जो पापी वहां का पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस कमिश्नर है, उसको बचाया जा सके। कौन है मनीष जी, कोई गोयल है मेरे ख्याल से वो, और ये पूरा नाटक ये है, और मैं इसकी इस नौटंकी को आज के बाद, आज उसका बड़ा खतरनाक उसके संकेत ले रहा हूं कि कल से हो सकता है पलट के हिंसा वहां शुरू हो और इन डॉक्टरों पर कुछ और भी हो, तो अब ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वहां जो केंद्रीय बल है उनको सतर्क को कर दे, ये अपने एक वो जो भावनात्मक दिखाएगी कि हमारे, क्योंकि मैंने इस्तीफे की बात कर दी तो लोग बड़े भावुक हो गए, लोग बड़े इसके लिए जान देने को उतर आए और सड़कों पर उतर के तोड़फोड़, तो ये कल से ये मेरे ख्याल से इसने ये कराने की तैयारी की है, तो एक तरह से केंद्र को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। और बाकी मनीष जी, ये बिल्कुल फैक्ट है कि ममता बनर्जी की झोली में कुछ बचा नहीं है और आखिरी दांव की तरह उसने चलाया, और अगर इसका ये दांव भी फेल हुआ तो ममता भी आपको सड़क पर नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, जिस ममता बनर्जी ने कोलकाता में सरस्वती पूजा रुकवा दिया, जिस ममता बनर्जी ने बंगाल की सांस्कृतिक पहचान है, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा बंगाल की सांस्कृतिक पहचान है, सरस्वती पूजा रुकवा दिया, विसर्जन जो है दुर्गा पूजा का इसीलिए रुकवा दिया कई बार क्योंकि मुहर्रम टकरा गया उसमें,
वो ममता बनर्जी कह रही है कि पूजा आने वाला है, हड़ताल खत्म कर दो। तो डॉक्टरों ने रोड पर ही दुर्गा पूजा से पहले ही अपना सांस्कृतिक दुर्गा पूजन शुरू कर दिया। गणेश पूजा जो जो बंगाल का जो कल्चर है उस हिसाब में ढोल से लेकर के आरती का जो तरीका उनका है वो सड़क पे ही करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पूजा हमारा यही होगा। अब इससे बेचैन हो गई, इन डॉक्टरों ने इनसे मिलने से मना कर दिया, कह रहे इस्तीफा दे देंगे। डॉक्टरों ने कहा हम तुम्हारा इस्तीफा तो मांग ही नहीं रहे हैं। ये चोट कितनी बड़ी चोट है, ये दृश्य कितना चोटिल कर रहा होगा ममता को। नहीं, चोटिल नहीं कर रहा होगा मनीष जी, ये देखिए अब की उसका पढ़े लिखों से सामना है, अब की उसका नेताओं से सामना नहीं है। और ये जो डॉक्टर हैं कलकत्ते के, इनको वास्तव में सैल्यूट करने का दिल करता है कि इन्होंने वास्तव में समझिए 9 तारीख को उसकी हत्या हुई थी, 9 अगस्त को हुई थी मेरे ख्याल से, 9 अभी एक महीने के अंदर इस महिला को घुटनों पे ला दिया है। और इसकी कोई चालबाजी काम नहीं कर रही मनीष जी इनके आगे, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इसकी नस नस जान रहे हैं और पिछले 12-13 साल से इसका अत्याचार उन्होंने झेला है। जरा गौर करिए, डॉक्टरों ने कोई ऐसा नहीं कि इसने बुलाया और डॉक्टर नहीं गए, डॉक्टरों ने कहा हम आएंगे, इसने 15 कहा था, उनके 15 नहीं हम 30 लोग आएंगे, हमारी 30 आदमी कमेटी होगी, हम तुमसे बात करेंगे, लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग तुमको करनी पड़ेगी। क्या परेशानी थी इसको, इसने वहां पूरा वीडियोग्राफी कराने की पूरा इंतजाम कर रखा था, इसने कहा कि हम आप तुम्हारे के हम इसको लाइव। जरा देखिए उनको पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना रही है, कह रही क्योंकि ये मामला कोर्ट में है इसलिए हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, हम तुमको बाद में इसकी सीडी बना के दे देंगे। अरे तो वो कोई कोर्ट मैटर डिस्कस करने आ रहे थे, कोई वकीलों का डिस्कस करने आ रहे थे, वो तुमसे बात करने आ रहे थे उस कि तुम क्या कर रही हो, जो उनकी मांगे थी उसको सुनती, उसमें कोर्ट मैटर कहां से आ गया। तो ये जाहिर सी बात है कि उनको झूठ बोलकर बहकाकर उनको एक तरह से टेबल पे लाना चाह रही थी, उसके बाद वो सीडी बनती ना बनती क्या बताती, देती ना देती। तो उन डॉक्टरों का नहीं, ये तुमको लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हम तुमसे बैठ के बात करने को तैयार हैं। वो अभी भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये जरा आमने सामने बैठे और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करे। लाइव स्ट्रीमिंग करने से इसके प्राण निकल रहे हैं, इसके जान जा रही है, क्यों ये क्यों छुपाना चाहती, ऐसी कौन सी बात है जो वो 30 डॉक्टर उसके साथ आना चाहते हैं, 30 डॉक्टर मतलब एक तरह से सार्वजनिक बात हो गई वो, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवा दो। नहीं करवाएगी ये, क्योंकि इससे पता चलता है, देखिए मैंने कहा ना कि इसका पहली बार जीवन में पढ़े लिखे उसे और पढ़े लिखे नहीं इंटेलेक्चुअल से कह लीजिए इसका सामना हो रहा, और इसकी हर बात बहुत बुरी तरह से फेल हो रही है। और वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनको भी उन्होंने बता दिया कि तुम कहते रहो हम नहीं खत्म करेंगे हड़ताल, हड़ताल नहीं खत्म हुई, मंत्री का न्योता आया, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो अपनी शर्तों पर जाएंगे। तो वास्तव में ममता बनर्जी को नाको चने अगर कोई चबवा रहा है या लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं तो इन डॉक्टरों ने चबवाए। मैंने इसीलिए कहा कि उन कलकत्ते के सारे डॉक्टरों को सैल्यूट कि उन्होंने वास्तव में ये दिखाया कि इस महिला से कैसे लड़ा जाता है। बिल्कुल, और देखिए इन डॉक्टरों ने शाहीन बाग के शाहीन साजिश के जाहिलों की तरह सड़क जाम नहीं किया है, 3 राज्यों का वो चिकन नेक नहीं दबाया, उन खालिस्तानी गुंडों की तरह नेशनल हाईवे जाम नहीं किया, उनने किसी को परेशानी नहीं हो रही है वहां पे, और सीनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन नैरेटिव बनाया जा रहा है ये जूनियर डॉक्टर क्या करते हैं, सीनियर डॉक्टर को सपोर्टिंग हैंड ही तो होते हैं, ये नैतिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग। मैं बार बार कह रहा हूं जब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स होते हैं वो काम कर रहे डॉक्टरों से ज्यादा नैतिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। मेडिकल पेशा में ज्यादातर लोग ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि वो सेवा के भाव से ही आते हैं, बाद में परिस्थितियों के हिसाब से कह लीजिए या फिर पैसा कमाने के लालच में कई बार ज्यादातर डॉक्टर हैवान हो जाते हैं, शिकायत आती है उनकी, लेकिन ये जो जूनियर डॉक्टर होते हैं मेरा मानना है कि ज्यादातर ये प्योर होते हैं, इनके अंदर नैतिकता ज्यादा होती है और इसीलिए इनकी तिलमिलाहट बेचैनी इसी बात को लेकर ज्यादा है, इसी बात को लेकर ज्यादा, और ये काबू में नहीं आ रहे, इसके काबू में आएंगे भी नहीं जिस तरह से उनके तेवर नजर आ रहे हैं, इसको अभी झुकना पड़ेगा। और अभी देखते जाइए नवंबर तक आते आते इसकी क्या दशा होती है, मुझको लगता है इस्तीफा नहीं होगा, इसकी सरकार भंग की जाएगी। आपने मगर बहुत खतरनाक संकेत दिया, वहां मेरा दिमाग नहीं गया था, आप कह रहे कि इस्तीफा की पेशकश इसने इसलिए किया कि उसके जो मूल वोटर छोटा पैजामा है वो सड़क पे आ जाए, उन्माद कर दे, बंगाल को जला दे, डॉक्टरों को पिटाई करना शुरू कर दे, टीएमसी के गुंडे इस रूप में आ जाएं ताकि बंगाल, ये तरह से प्रोवोक किया आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, इसने अपने समर्थकों को प्रोवोक किया है, और अभी देखिए रात से या कल से वो क्या नौटंकी करते हैं। लेकिन इसी के साथ मनीष जी मैं एक और चीज बता दूं कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई करतूत की तो वो बहुत खतरनाक साबित होगी। ये डॉक्टर जो है ये गुंडे नहीं है, ये लड़ने वाले लोग नहीं है, अगर इनके साथ हिंसा करी तो फिर वो चीजें बिल्कुल ममता बनर्जी के हाथ से बाहर चली जाएंगी
और ममता बनर्जी को फिर इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ये तय मान के चलिए आप, क्योंकि ये दंगाई नहीं है कि इनके ऊपर दंगाई आके टूट पड़े मारा पीटा, अगर मारा पीटा और कुछ भी इनके साथ हिंसा हुई तो वो फिर उसके बहुत बुरे परिणाम भोगने के लिए ममता बनर्जी तैयार हो जाए। हाँ लेकिन उसकी कोशिश अभी यही है कि इनको जरा कल से हम भी अपने लफंगों को उतारें। और जरा गौर करिए, ये जनता नहीं है, ये डॉक्टर हैं, केवल डॉक्टरों की हड़ताल से ममता हिली हुई है, और इससे जरा राजनेताओं को भी मनीष जी सीख लेनी चाहिए कि कैसे विरोध किया जाता है, कैसे विरोध किया जाता है, कैसे आम नेतागिरी परेशान किए हुए। नहीं नहीं, नेतागिरी में बता दूं मनीष जी, मैं तो दिल्ली का अक्सर उदाहरण देता हूँ कि वो पहले प्रेस में फोटोग्राफर को बुला लो, रिपोर्टर को बुला लो, 12 बजे तक आ जाएंगे सब लोग, तो 12 बजे तक, मतलब वो 11:30 बजे नेताजी आ गए, उन्होंने फोटो वोटो खिंचाई, 1 बजे फुर्सत हो गई, धरना प्रदर्शन खत्म, और 1:30 बजे फिर अपने घर में आके भोजन वोजन किया। इस तरह से विरोध होता है, तो वैसे ही फर्क पड़ता है जैसे दिल्ली में पड़ रहा है। अब विरोध कैसे होता है, ये 24 घंटे चल रहा है, लगातार चल रहा है, और ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री जिसके लिए कहा जा सकता है कि सबसे जिद्दी, सबसे बिगड़ैल और सबसे अड़ी रहने वाली मुख्यमंत्री, उसको घुटनों पर लिया है केवल कुछ डॉक्टर कलकत्ते के। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस ममता पर अमित शाह और मोदी अंकुश नहीं लगा सके, सुप्रीम कोर्ट में दलील पे दलील देकर कुछ नहीं कर पाए, उस ममता बनर्जी को कुछ डॉक्टरों ने, मतलब कितने डॉक्टर होंगे, वो कोलकाता के जूनियर डॉक्टर कितने डॉक्टर्स हैं, उनके पास नैतिक बल है। और मुझे लगता है कि ये जूनियर डॉक्टर्स यदि मेडिकल माफियाओं का सच सामने ले आ पाए, सरकार के साथ मेडिकल माफियाओं के मेल से जो हैवानियत का खेल जो चलता है अस्पतालों में आमतौर पे, उस सच को यदि ये डॉक्टर सामने ले आ पाए, तो सचमुच धरती पर जो डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है वो चरितार्थ होना शुरू हो जाएगा। हम सब चाहते हैं कि ऐसी शक्ति इन डॉक्टरों को हो कि वो पूरा सच जो है सामने आ जाए। और मनीष जी एक जरा आए इसमें एक सवाल मैं अलग जोड़ दूं, ममता बनर्जी और डॉक्टरों से अलग, कि कहां है वो IMA वाले, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो डॉक्टरों के ठेकेदार बन के घूमते हैं और बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी करने चले जाते हैं, रामदेव के खिलाफ ये कर दो, रामदेव के खिलाफ वो कर दो। ये कलकत्ते के डॉक्टर जो सड़कों पे है पिछले 1 महीने से, कहीं कोई IMA का कोई स्टेटमेंट आया, IMA कहीं लड़ाई कर लड़ रही है, IMA कहीं इनके समर्थन में खड़ी है, नहीं खड़ी है। तो मैं फिर आज कह रहा हूं कि वो दलाल है दवाई कंपनियों के, उस भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है, और ये IMA भंग करना चाहिए, अन्यथा कलकत्ते की जो लड़ाई चल रही है उसमें तो IMA को डटकर खड़े होना चाहिए था, IMA कहीं नजर नहीं आ रही मनीष जी, और वो रामदेव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने चले गए थे मुकदमा। तो ये जो है ये दूसरे दलाल हैं, और अगर अब IMA कोई आए तो उसको भगा दें डॉक्टर। बिल्कुल, ये सोचिए कौन है, मतलब अपने जूनियर डॉक्टरों को IMA ने लावारिस की तरह छोड़ रखा है ना, ऐसा छोड़ रखा है, उन्हें उन्हें बैक से सपोर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन उनके पास नैतिक बल है, और यदि वो देश के सबसे जिद्दी, सबसे अड़ियल, सबसे बदमिजाज नेता को कनेठी दे करके ठीक कर दिया है, तो समझा जा सकता है कि वो उनका बल कितना महत्वपूर्ण है।